पार्टी या दल में महिलाओं के प्रति ना कोई मान और ना कोई सम्मान, उस पार्टी से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत माता को माता माना है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चार शक्तियों को उभारने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं महिला, युवा, गरीब और किसान, इनके उत्थान के लिए हमें कार्य करना होगा। कांग्रेस पार्टी ना महिलाओं का सम्मान करता है, ना शक्ति का सम्मान करता है, और जनता कांग्रेस पार्टी को जवाब आने वाले 4 जून को पूर्ण रूप से देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। विकास अघाड़ी में भी फूट हो गई है, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नाराज हो गई है। जो भारत जोड़ो के लिए निकले थे वो अंदर ही से टूट और फूट की स्थिति में आज उत्पन्न हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभारने में रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। चुनाव के दरमियान भी हमारे पड़ोसी देश भूटान में जाकर वहां भारत और भूटान के बीच के रिश्तों को मजबूत किया है। एक तरफ है देश को बनाने वाली शक्ति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और दूसरे तरफ है देश में विघटनकारी तत्व और अपने आप ही अंदर से टूटने वाली शक्ति। अब जनता को इन दोनों के बीच में जो निर्णय जनता लेगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आशीर्वाद के साथ भारत को बढ़ाने में अपना पूर्ण आशीर्वाद जनता प्रदान करेगी।